नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दयाल बाग बीटेक के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी। आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे और सेम इस बार भी आ रहे हैं, तो बात स्पेशल इस वीडियो में हम ओनली दयाल बाग में बीटेक की करने वाले हैं। दोस्तों बीटेक के लिए क्वेश्चन, जैसे हमने यहाँ पर बोला है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ठीक है, एक तो आपका क्वेश्चन ये हो गया, और दूसरा है दयाल बाग से बीटेक करने कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान हैं, और बीटेक में कौन कौन सी ब्रांच हैं, कौन कौन सी जो ट्रेड हैं वो अवेलेबल हैं, कौन सी नहीं है, तो पूरी जानकारी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को कृपया करके लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं बीटेक की। दोस्तों देखिए, दयाल बाग में बीटेक के फॉर्म दो तरीके से भरे जाते हैं, एक तो होते हैं दोस्तों पार्ट टाइम, एक होते हैं फुल टाइम, ठीक है। पार्ट टाइम कौन से होते हैं दोस्तों? बीटेक पार्ट टाइम वो सारे कोर्स होते हैं जो भी कैंडिडेट प्राइवेट जॉब करते हैं या कुछ ऐसी जॉब करते हैं कि जैसे सुबह की मीटिंग में जॉब कर रहे हो, शाम की मीटिंग से वो जो अपना बीटेक कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो एक पार्ट टाइम बीटेक होती है, वो भी जॉब वाले कैंडिडेट के लिए होती है। जो जॉब करते हैं वो बीटेक को कर सकते हैं, ठीक है। और जो फुल टाइम होती है वो ये होती है दोस्तों, उसमें जॉब का कोई रिलेशन नहीं होता है। फुल टाइम जो आपका होता है सुबह से शाम तक का, सेम वही प्रोसीजर होता है फुल टाइम बीटेक। तो ये दो तरह की बीटेक दयाल बाग में होती है। अब बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस एक नोटिस पर ले आया हूँ, ये दोस्तों प्रोस्पेक्टस है 2022-23 का, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेंशन लेना मत, जो बता रहा हूँ वो सुन लीजिए। अब बात करें बीटेक की, दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो दिख रहा होगा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें दोस्तों कुछ ब्रांच दे रखी है आपको, एग्रीकल्चर है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, फुटवेयर है एंड मैकेनिकल है, तो ऐसे करके आपको ब्रांच जो दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में बोल रखी है आपसे कि 8 सेमेस्टर आपके होते हैं जो कि इंजीनियरिंग फैकल्टी में होती है, इसमें सीट उन्होंने 300 दे रखी है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट 300 दे रखी है, और वो कि जो कि यहाँ पर डिवाइड कर रखी है, जैसे 60 सीट एग्रीकल्चर में, मतलब सब में 60-60 सीट बोल रखी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बोलते कुछ है होता कुछ है, 60 की जगह ये 160 भी हो जा सकता है, 200 सीट भी हो सकती है, कुछ भी पता नहीं है, वो सब कॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन अब सिलेक्शन प्रोसेस की इसमें बात कर लें दोस्तों, देखिए बीटेक में आपकी जो भी ब्रांच जो भी ट्रेड है वो ओनली यही है, एग्रीकल्चर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, फुटवेयर एंड मैकेनिकल, यही आपकी ब्रांच है, ठीक है। किसमें दोस्तों? जो कि फुल टाइम में आपकी यही ब्रांच है। कंप्यूटर साइंस आपकी इधर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ठीक है। और दोस्तों इसमें सिलेक्शन कैसे होता है? सबसे पहले दोस्तों अगर आपने 12th की होगी दोस्तों, आप लोग बीटेक करना चाहते हो तो आपने 12th जरूर की होगी, तो आपकी उसमें एकेडमिक मेरिट होती है 12th की, उस मेरिट का परसेंटेज लगता है, ठीक है। और जी मेंस, जो भी कैंडिडेट जिन्होंने भी जी मेंस का एग्जाम दिया है वही दयाल बाग से बीटेक फुल टाइम का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बिना जी मेंस के स्कोर के वो न तो फॉर्म भर पाएंगे ना ही उनका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो जी मेंस का अगर आप देखिए, उसकी टेंशन मत लेना, अभी आपने फॉर्म भरा है कि पहले भरा था, देखिए अभी आपने फॉर्म भरा हुआ होगा, उसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि दोस्तों ये प्रोसीजर इंटरव्यू के टाइम पर भी आपसे नंबर अपलोड करने होंगे, मतलब जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा जी मेंस का, जब तक आपका ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा, मतलब आपको नंबर अपलोड करने होंगे जब आपका जी मेंस का रिजल्ट आएगा उसके बाद में, लेकिन फॉर्म अभी आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली जी मेंस का स्कोर आपसे मांगा जाएगा जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा जी मेंस का, तो उसकी मेरिट प्लस 12th की मेरिट, इन दो के बेस पे आपका एक कट ऑफ निकलेगी। जो भी कैंडिडेट उसमें आएंगे उन सभी का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद उन सभी का जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, इंटरव्यू के बाद उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये तो हो गया उसके लिए। इसमें दोस्तों ओपन टू ऑल बोल रखा है, लड़के लड़की दोनों इसका फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि ओनली गर्ल्स भर सकती हैं बॉयज नहीं, तो दोनों गर्ल्स और बॉयज इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बीटेक फुल टाइम के बाद अब नीचे एक और है बी, मतलब आर्किटेक्चर बी आर्च, इसके लिए ये 10 सेमेस्टर का कोर्स है, और बीटेक इलेक्ट्रिकल से पार्ट टाइम है, ये भी 10 सेमेस्टर का कोर्स है, ठीक है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, एकेडमिक मेरिट जो होती है, देखिए जो मैंने बोला था पार्ट टाइम, इसको छोड़िए पहले आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। आर्किटेक्चर में भी आपका रिटन टेस्ट नहीं होता, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक नाटा का एग्जाम होता है, अगर उसका स्कोर कार्ड आपका लगेगा
ठीक है, उसके बाद ड्राइंग टेस्ट आपका और एकेडमिक मेरिट जो ट्वेल्थ वाली होगी वो सब लग के आपकी कट ऑफ निकलेगी, उसी के हिसाब से इंटरव्यू होगा, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और पार्ट टाइम की बात करें, बीटेक पार्ट टाइम इलेक्ट्रिकल से यहाँ पर दे रखी है दोस्तों, इसमें आपकी एकेडमिक मेरिट भी रहेगी और आपका ऑनलाइन जो है यहाँ पर एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसमें 60 सीट दे रखी है, 60 सीट काफ़ी हो जाती है। इसमें बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जो इसके लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको जॉब भी करनी होती है साथ में। अब बात है एक नया कोर्स है BHMS जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन का है, ठीक है। तो ये आपका फैकल्टी आयुष में होता है, 5.5 ईयर का कोर्स होता है, और इसके लिए वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने नीट में एग्जाम दिया है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आपको बीटेक की सारी जानकारी। मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, अगर कुछ भी रह गया, देखिए मैंने बता दिया कौन कौन फॉर्म भर सकता है, वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने जी मेन्स का एग्जाम दिया है फुल टाइम के लिए, पार्ट टाइम के लिए भर सकते हैं, एक ही ब्रांच है उसके लिए, ठीक है। और फायदे और नुकसान की बात करें दोस्तों, देखिए दयालबाग से बीटेक करने के फायदे, सबसे कम फीस खर्च होती है, आपको स्कॉलरशिप में सारी फीस वापस आ जाती है जो भी आपसे ली जाती है, ठीक है। इससे ज़्यादा दोस्तों और आपको चाहिए क्या होगा। नुकसान देखिए दोस्तों, नुकसान कुछ नहीं, आपकी बीटेक कंप्लीट हो जाएगी, हर जगह मान्य होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि इस जगह मान्य नहीं होगी। और आजकल तो प्लेसमेंट की बात करें तो जब से डिजिटल IT का सेक्टर बढ़ता जा रहा है, जब से आपकी जॉब भी बढ़ती जा रही है, ठीक है दोस्तों, तो जॉब की टेंशन मत लेना, बहुत सारी कंपनी DI में आती है, वहीं से ले जाती हैं। और ये तो आपकी फिर स्किल पर डिपेंड करता है, अगर आपके पास अनुभव योग्यता है तो आप और अच्छी कंपनी में जॉब ले सकते हो, ठीक है। तो नुकसान तो इसमें कुछ नहीं है, नुकसान तो यही है कि इसमें आपको जो IIT GMS वाली जो प्लेसमेंट होते हैं करोड़ वाले, वो करोड़ वाले पैकेज आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे, यही फायदे नुकसान थे, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे को आज से आपको दोस्तों बीटेक के बारे में जानकारी अच्छी लगी, फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। और बहुत सारी वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मिल जाएंगी, जो कि मैंने कुछ वीडियो पिछले साल भी बनाई थी इसी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे आने वाली हर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सब वीडियो की लिंक जो मिल सके। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और आप सभी को हमारी प्यार भरी दिल से राम राम।